है, मुद्दे तो काफ़ी हैं, बट मैं स्टार्ट करूं अगर तो इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों की ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टोल प्लाज़ा को लेके, बिकॉज़ टोल प्लाज़ा सरोर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटिमेंट, चूंकि हम लोग वकील भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा इनलाइटन करना चाहूँगा अथॉरिटीज़ को कि सरोर प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा पे जो टोल कलेक्शन है वो सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन इमोशनल नहीं है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते कि अथॉरिटीज़ इस पे कोई कॉल लेती, बट हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ का इस पे कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा। और ये जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, पब्लिक सेंटिमेंट तो ऑन रोड है बट जो लीगल एस्पेक्ट है इसके बारे में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। मैं पहले स्टार्ट लीगल एस्पेक्ट से करता हूँ कि क्या ये सरोड टोल प्लाज़ा एक लीगली वैलिडली इंस्टॉल्ड टोल प्लाज़ा है या नहीं। अगर नहीं है तो बाकी की डिबेट का कोई पर्पस बनता नहीं। मैं आप सब आप लोगों को भी सर्कुलेट करते हैं, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, हमारी यूटी पे भी एप्लीकेबल। उस एक्ट के अंडर रूल्स भी बने हुए हैं, नेशनल हाईवे फी रूल्स। अब टोल प्लाज़ा कहाँ कहाँ लगना है, कितनी फ़ी होनी चाहिए, ये एक्ट और रूल्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। इसके बारे में मैं पहले आपको जागरूक करवाऊँ। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स हैं, इसका रूल 8 है जिसका हेडिंग ही है लोकेशन ऑफ टोल प्लाज़ा। अब लोकेशन ऑफ टोल प्लाज़ा ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग है। ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको सिर्फ इसका सब रूल 2 बता दूँ क्या है, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम श्योर द अथॉरिटीज़ आर अवेयर ऑफ दिस एज वेल। इट सेज एनी टोल प्लाज़ा ऑन द सेम सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे एंड इन द सेम डायरेक्शन शैल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स। अगर एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उसकी एक बड़ी सिंपल सी सब रूल 2 है क्लॉज जो ये कहती है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल प्लाज़ा नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाई के 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाज़ा नहीं होंगे। अब ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सरोर से लेके बन टोल प्लाज़ा में बाई रोड 60 किलोमीटर्स नहीं बनते। मेरे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है सारा। क्या ये टोल प्लाज़ा वैलिड है? लीगली देखिए तो ये वैलिड नहीं है। हाईवे अथॉरिटी के पास कोई और एक्सक्यूज़ होगा उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, बट हाईवे अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों डेलीबरेट नहीं कर रही है ये हमको भी बैफल कर रहा है एज लॉयर्स एंड एज पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको सप्लीमेंट करते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सेलिब्रेटेड मिनिस्टर हैं, थ्रू आउट इंडिया अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट 22 मार्च 2022 का इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट उनकी स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको भी कंप्लेंट्स गई होंगी कि 60 किलोमीटर के अंदर इंडिया में इस पॉइंट्स के ऊपर 2-2 टोल प्लाजाज भी हैं, सो इलीगली टोल कलेक्ट किया जा रहा है। उनकी स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी 2 टोल प्लाजा होंगे वो हम नहीं चलने देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर हम उनको रोक देंगे। ये 2022 मार्च की स्टेटमेंट है उनकी, और हम बिलीव करते हैं कि जब एक मिनिस्टर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देगा फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो प्रॉपरली गाइडेड होगा बाय द कंसर्न्ड सेक्रेटरीज इन टर्म्स ऑफ द लॉ। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ये मार्च 2022 का, आज हम अगस्त 2023 में, जिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये कानून है जो उनके ऊपर बाइंडिंग है, जिसमें मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट दी, उसके बावजूद ये टोल प्लाजा कैसे चल रहा है ये हमारी समझ से बाहर। लीगली इसका क्या करना है वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है, बट अथॉरिटी का अपना भी तो एक कोई रोल है। सो नेशनल अथॉरिटी क्यों वेट कर रही है कि कोई किसी को चैलेंज करेगा इस प्रोविजन को, या कोई हैड टू एक्ट ऑन द टर्म्स ऑफ लॉ व्हिच इज स्क्वेयरली एप्लीकेबल टू देम। सो हमारी नज़र में जो हमने जब बैठ के ये इसका दूसरा एस्पेक्ट जहाँ पर फैक्चुअल मैटर भी जोड़ा, फैक्चुअल मैटर ये है कि हम सबको पता है कि ये जो पीछे फ्लड कंडीशन आई, जो इतनी ज़बरदस्त पीछे बारिशें हुई, ब्रिज बैठ गया, रोड बह गई, टोल प्लाज़ा किस लिए होता है?
टोल प्लाजा इसलिए है कि अगर पब्लिक या प्राइवेट फंड से कोई हाईवे बना है उसकी मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस है। अब अगर मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस है तो मेंटेनेंस तो तब होगी जब वो रोड वर्किंग कंडीशन में होगी। आज आप सबको पता है कि सरोर से लखनपुर या कठुआ जाने के लिए 3-3.5 घंटे का टाइम लग रहा है। जो हाईवे इन लोगों ने जिसके लिए टोल प्लाजा रखा वो हाईवे तो काम नहीं कर रहा, सो उनको बाईपास दिया जा रहा है। जब आपका हाईवे ही काम नहीं कर रहा तो टोल प्लाजा किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कलेक्ट कर रहे हो ये भी कोई हमारी समझ से बाहर है। ये कोई स्टैचुटरी बाइंडिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर टोल प्लाजा को कलेक्ट करने की। लिहाजा जब इतना पब्लिक सेंटिमेंट अथॉरिटीज देख रही और इनको एक कानूनी दायरा है जिसके अंडर ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को रिड्रेस कर सकती हैं, तो हमारी इस पूरे सिनेरियो के दौरान ये एक्सपेक्टेशन थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वुड एक्ट ऑन इट्स ओन और लोगों को सड़क पे आने की जरूरत ना पड़े। आफ्टरऑल ये अथॉरिटीज लोगों की सर्विस के लिए, ये कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है इन अथॉरिटीज के। सो अब तक जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी सिविल सोसाइटी सड़कों पर है और बिना मतलब के वो चीज़ जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है वो हो नहीं रही, इसका जवाब भी कोई नहीं आ रहा। सो ये ऑटोक्रेटिक रूल जो हाईवे अथॉरिटी अपने से ही अज्यूम कर रही है ये नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मानना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को जल्द अज जल्द सामने आके इस इशू को, जो कि अवॉइडेबल इशू है, अननेसेसरी इशू बन रहा है, नहीं बनने देना चाहिए। और ये टोल प्लाजा जब तक ये सड़क काम ना करें तब तक कम से कम इस टोल प्लाजा को सस्पेंड करना चाहिए। इसमें कोई इलीगल या अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं है जिसके लिए किसी को गिरफ्तारियां देनी पड़े या सड़कों पर जाके नारे लगाना पड़े। साथ साथ मैं इसका ये भी बता दूं आपको कि क्लॉज 3 बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन कैन एग्जेम्प्ट एनी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे बाईपास टनल कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट फ्रॉम लेवी ऑफ सच फी और पार्ट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। आपके पास दोनों प्रोविजंस हैं, आप क्यों एक स्टेटमेंट नहीं देके ये सारा सिनेरियो, सारी जितना भी एग्रेशन या जितनी भी ग्रीवेंस है इसको सेटल करें, बजाय इसके कि लोग सड़कों पे आए। आपको खुद जाना चाहिए लोगों के पास और कहना चाहिए जी हम आपको वो सड़क नहीं प्रोवाइड कर पा रहे फॉर द टाइमिंग, जब तक ये रिपेयर नहीं होगी, ये वापस से जब तक हम इसको रवा नहीं करते तब तक हम ये सस्पेंड रखेंगे। इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है जो हाईवे अथॉरिटी ने कर ली, दिस इज़ ए रूल बाइंडिंग ऑन दैम। इसके साथ साथ ये सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हाईवे अथॉरिटी को जब हम जगा रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मस्ट एक्ट ऑन इट। हमारे यहाँ 10-second रूल है, ये भी प्रिस्क्राइब्ड है गाइडलाइंस पे। किसी भी टोल प्लाजा पे अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा, जब से फास्ट टैग प्रोविजन आ गया और फास्ट टैग पेनिट्रेशन 99% बता रहे हैं अपने नेशनल डेटाबेस में कि इसकी पेनिट्रेशन 99% है, टोल प्लाजा सारे फास्ट टैग से कवर्ड हो रहे हैं। जब फास्ट टैग पेनिट्रेशन है टोल प्लाजा में, 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर किसी भी व्हीकल को रुकना पड़े या 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन हो उसको भी टोल प्लाजा एग्जेम्प्टेड है। आप सरो टोल प्लाजा की बात छोड़िए, जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओमिशंस के ऊपर आ रहे हैं तो आप बंद टोल प्लाजा ले लीजिए। 3-3, 4-4 घंटे हमको कई बार वेट करना पड़ता है जब हमने यहाँ से कहीं उधमपुर कोर्ट या कटरा या रियासी कोर्ट जाना होता है, अनप्रेसिडेंटेड जैम होता है। लोगों को कई बार गाड़ी यू टर्न करके वापस आनी पड़ती है कि टोल प्लाजा से रास्ता नहीं मिल रहा। और मैंडेट ये है कि अगर टोल प्लाजा है उसके 100 मीटर से पहले एक येलो लाइन खींची जाएगी और वो 100 मीटर से के बाद अगर किसी को वेट करना पड़े तो उससे टोल प्लाजा नहीं लिया जाएगा। सो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, एक क्लियर ओमिशन है ऑन दी पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी बतौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ये एक रोल है। सेकेंड, बींग लीगली अवेयर सिटीजन पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ JK, ये हमारा रोल बनता है कि हम स्ट्रेस करें कि हाईवे अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक्ट करे, जल्द अज जल्द इसको रिड्रेस करे, बजाय इसके कि इसको आप आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन देने की खुद ही कोई ऐसी ओमिशन करो और बाद में कहो जी देखो ये फलाना ये हो गया और वहाँ ये हो गया और फिर आपको कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने पड़े जिसका रिएक्शन पब्लिक में भी हो। सो ये था विद रिगार्ड टू टोल प्लाजा। सर आप खुद इशू विच इज बींग रेज्ड इन सिविल सोसाइटी एंड वी सी डे इन डे आउट वी आर सीइंग दैट देयर इज अ पब्लिक अपसर्ज इवन अगेंस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स। स्मार्ट मीटर्स आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ स्मार्ट दे आर व्हेन द रीडिंग दे आर जनरेटिंग इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल कंजप्शन ऑफ द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
फिर इनको स्मार्ट मीटर्स का क्या नाम दिया गया है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। हम लोग आए दिन मीडिया में आप ही के पोर्टल्स के माध्यम से देखते हैं, आप लोग भी 24/7 इस सर्विस में हो कि जहां से भी कोई पब्लिक की ग्रीवेंस आ रही है उसको प्रोजेक्ट किया जाए, अथॉरिटीज तक पहुंचाया जाए। हम आपके भी थैंकफुल है, यू आर ट्रू वॉच डॉग्स फॉर दी सोसाइटीज राइट्स। अब तक तो हम सुनते ही आए थे कि स्मार्ट मीटर्स पे रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिसप्रोपोर्शनेट हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। मैं शॉक्ड हूँ, हमारे यहाँ फॉर्मल एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं रविंदर शर्मा जी, सीनियर लॉयर, इनके घर का बिल आज मेरे को उन्होंने बताया है। आई डोंट नो हाउ दी अथॉरिटीज वुड जस्टिफाई दिस। इसकी कॉपी भी आपको दे देंगे ताकि आप लोगों के भी रिकॉर्ड में रहे। ये जुलाई 2023 का बिल है, इसके टॉप राइट कॉलम में है यूनिट कंज्यूम्ड। ये जो हमारी पीडीसी या पीडीडी काम कर रही है, ये इन मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स कहेगी? दे आर डेड मीटर्स। 208 यूनिट में आपने पर यूनिट क्या रेट लगाया? ऑब्वियसली जब इस किस्म के बिल आएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जनरल पब्लिक का एक रिजेंटमेंट तो आएगा कि आपने क्या किया है, कि आप क्या आपने पर यूनिट टैरिफ बढ़ाया है, उस वजह से 208 अगर यूनिट कंज्यूम हुए तो बिल 1,36,96 रुपये आ गया। अगर आपने यूनिट नहीं बढ़ाए, अगर आप नहीं बढ़ाया तो फिर इन यूनिट्स के लिए 34,000 ओपनिंग बैलेंस और आउटस्टैंडिंग 1,96,000। इसका मतलब है मीटर में कहीं फॉल्ट है। अगर मीटर में फॉल्ट है तो कंज्यूमर क्यों अपनी आवाज़ ना उठाए? और अगर कंज्यूमर अपनी आवाज़ उठा रहा है तो फिर अथॉरिटीज का ये ऑब्लिगेशन है, दायित्व है उनका, ये दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, ये उनकी ड्यूटी है कि ये जितने भी ये इनके जनरेटेड बिल्स हैं, ये अथॉरिटीज बिल, इनको गैदर करे और बताए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। इट मीन्स समथिंग इज फॉल्टी समवेयर।